Amazon के फाउंडर जेफ बेसोस ने Amazon जब बनाया था तब उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ बुक सेल करेंगे, लेकिन जब मार्केट प्लेस बन गया, जब इतनी बढ़िया तरीके से सेलिंग होने लगी कि पब्लिशर डायरेक्टली बेचने से अच्छा खुद कहता है कि 90% सेल्स मेरी Amazon के थ्रू होती है, तब जेफ बेसोस ने प्लान बनाया कि क्यों ना Amazon के थ्रू सब कुछ बेच दें। क्योंकि देखो, जब आपके पास एक एसेट होता है, आप उसको कैसे यूज करते हो, यही आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंड कहलाता है। आप बिजनेसमैन कैसे हो मालूम चलता है जब आप अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाते हो। तो यू एज अ ट्रेडर, व्हाट डू यू हैव, व्हाट क्वालिटी, व्हाट एसेट यू हैव? आई थिंक यू हैव द स्किल टू ट्रेड, द स्किल टू लर्न, आई मीन रीड चार्ट्स, द स्किल ऑफ प्राइस एक्शन, द स्किल ऑफ स्ट्रैटेजीज, द स्किल ऑफ पेशेंस, कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा पाते हो, क्योंकि आपको कुछ चीजें मालूम है। लेकिन अगर मैं बोलूं भाई चलो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते, नहीं 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 आता, नहीं होगा, हार्ड है। एवरीथिंग इज हार्ड एट द स्टार्ट। चेंज इतना कठिन है कि कई लोग शायद बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट से और क्रिप्टो मार्केट से, लेकिन नहीं, क्योंकि अनकंफर्टेबल नहीं कर पाते कि भाई लीगल नहीं है शायद, अब तो 30% टैक्स भी लगने वाला है, कहाँ कर पाऊंगा मैं, कोई ब्रोकर है क्या ठीक ठाक। भाई इन सारी चीजों का आंसर आपको आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आई वॉन्ट योर नॉट कंप्लीट अटेंशन, आई वॉन्ट योर ओपन माइंड टूडे। ओपन माइंड के साथ अगर बैठ सकते हैं तो ये वीडियो जरूर देखेंगे, आराम से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया आपको कि व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग फैंटास्टिक बिकॉज टाइम की फ्रीडम होती है ना, बहुत सारी चीजें होती है। चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे वीडियो के एंड में मिलता हूं। पहला पॉइंट क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग के पहले जानना है क्रिप्टो क्या होता है। क्रिप्टो क्या होता है, देखो क्रिप्टो इज अ न्यू जनरेशन एसेट क्लास। आप सिर्फ रिलायंस SBI में ट्रेडिंग नहीं करते हो, आज आप चाहो तो गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हो। पता है क्रूड ऑयल कितना शॉर्ट अप किया वॉर के कारण, कितने पैसे कमाए क्रूड ऑयल ट्रेडर्स ने, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। तो उसी तरीके से जैसे क्रूड, गोल्ड, फॉरेक्स होता है ना करेंसी, वैसे ही हमारे पास एक नया एसेट क्लास है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज थी बिटकॉइन, वैसे मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए फंडामेंटल्स के बारे में, आप चाहो तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, बट अभी ट्रेडिंग की बात है तो शॉर्ट में निपटाता हूं। बिटकॉइन आया पहला ब्लॉकचेन बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी जिसका काम है सिर्फ अपने ट्रांजैक्शंस का लेजर रखना, बट पब्लिक में लेजर रखना, उसके कारण कभी फ्रॉड नहीं हो सकता, उसके कारण डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक कंपनी के पास पावर। बिटकॉइन के जितने माइनर्स अराउंड द वर्ल्ड जो काफी ज्यादा है तो ओपन है, वो पब्लिक में पब्लिक है। तो बिटकॉइन आया एक क्रिप्टो करेंसी जिसकी काफी हाई डिमांड है। अभी पता है आपको यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया का वॉर हुआ, रशियन रूबल 30% टूट गया, गिर गया, मैक्सिमम रशियंस ने अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया, बिटकॉइन इथेरियम में डाल दिया है, क्योंकि उनको भरोसा है कि इससे ज्यादा तो नहीं टूटेगा और बेटर फ्यूचर है इसका। तो यार दिस इज अ सेफ हेवन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो नाउ दिस इज सम यूटिलिटी, मैंने बताया ना इसका कोई फंडामेंटल यूटिलिटी आ गया। दूसरी क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम, जिससे तो हद कर दी, जिसने ऐसा, मैं हिंदी में समझाता हूं आपको या सिंपल लैंग्वेज में, इसने अपने आप को ना एक लेवल ऊपर लेके गया, बोला आप मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ हिसाब नहीं रख सकते, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जैसे कि iOS एक बेस है, मतलब एंड्रॉइड एक बेस है, उसके ऊपर एप्लीकेशन बनते हैं, जैसे यूट्यूब का एप्लीकेशन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस तरीके से इथेरियम ने बोला मेरे ऊपर आप कुछ भी एप्लीकेशन बना लो जो डिसेंट्रलाइज होगा, जिसमें आप कुछ भी चीजें डाल सकते हो। तो इथेरियम ने अपने ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने का पावर दिया और उसके कारण कई सारे एप्लीकेशन बने जिनको हम डैप कहते हैं, DAPP, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, बहुत सारे गूगल करोगे ना डैप्स की लिस्ट तो मिल जाएगी। फिर DeFi नाम की चीज आ गई इथेरियम के इस पावर के कारण, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब पूरा पैसा, पूरा पावर HDFC का, पूरा पावर ICICI का। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब किसी का पावर नहीं, ये सारे उन लोग का पावर जो मिल करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोसेस में। तो डिसेंट फाइनेंस आ गया, उसके कारण यूज बढ़ गया। उसके बाद चीज आ गई NFT, नॉन फंजिबल टोकन। फिर आ गया मेटावर्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, मैं इनके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊंगा, हैव पेशेंस। अभी ट्रेडिंग की बात करते हो, मतलब इसकी यूटिलिटी आ गई। तो देखो बिटकॉइन, इथेरियम को देख के 10 कंप्यूटर पैदा हो गए, सोलाना, पोलकाडॉट, कार्डानो, पता नहीं कितने कंप्यूटर, उनका प्राइस बढ़ गया भाई। तो देखो इनमें ना, जैसे आपको लगता था हवा है, कोई फंडामेंटल नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे यूसेज है। ऑलराइट, तो इथेरियम 2.0 भी आने वाला है। तो ये सारे डेवलपमेंट है जो क्रिप्टो स्पेस में है। थोड़ी सी फंडामेंटल बात हो गई, तो आई थिंक हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया, बेनिफिट्स क्या थे। दूसरा पॉइंट कि भाई हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो क्रिप्टो क्या होता है समझ गया आपने, कि देखो इसकी जरूरत है, इसकी डिमांड है, जहां डिमांड सप्लाई है वहां पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जहां भी लोग इसको बाय और सेल कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑल्सो, वहां ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, भाई लीगल ही नहीं है, हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है लीगल नहीं है,
तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपने अभी भी सुना होगा कि इंडिया ने 30% टैक्स लगा दिया है। अब देखो इसका बोनस पार्ट है वीडियो का, मैं लीगली टैक्स कैसे बचा सकते हैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो स्टे विद मी टिल देन। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट ने किसी चीज पे टैक्स लगा दिया है, क्या गवर्नमेंट ड्रग्स पे टैक्स ले रही है? नहीं ले रही, क्योंकि इलीगल है। गवर्नमेंट कभी भी उन्हीं चीजों पे टैक्स ले सकती है जिसको वो एक लीगल एंटिटी मानती है। और मान लेते हैं अगर इस टैक्स वाली बात पे भी डिबेट है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट, हमारे कंट्री में ना फॉरेक्स कंपनियां इलीगल है, वो नहीं चल सकती। एक भी फॉरेक्स कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड मिलेगी नहीं आपको जो ट्रेड करा रही है, सारी बाहर से रजिस्टर्ड होकर इंडिया में चला रहे हैं अपना काम। लेकिन क्रिप्टो कंपनी आपको बहुत मिल जाएंगे जो इंडिया से रजिस्टर्ड होकर, आप गूगल कर लो इंडियन क्रिप्टो करेंसी कंपनी, जो इंडिया के लैंड पे रजिस्टर्ड कंपनी जो चल रही है। तो डेफिनेटली देखो, बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया, ओनली इंडियन रुपीज इज लीगल टेंडर इन इंडिया, इवन गोल्ड इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया, और रिलायंस का शेयर भी लीगल टेंडर नहीं है, ऐसे बिटकॉइन भी लीगल टेंडर नहीं है, बट ट्रेडिंग करना लीगल है। तो थर्ड पॉइंट आपको बताता हूं, इट्स टोटली लीगल टू डू योर ट्रेडिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी। अब आते हैं हाउ टू स्टार्ट इट। देखो आप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यू नीड टू हैव एन अकाउंट। आ जाओ यहाँ पे, अगर मैं आपको अपने लैपटॉप पे लाता हूँ तो देखो ये ज़ीरोधा का अकाउंट है, ज़ीरोधा अकाउंट में आकर के मैं रिलायंस को बाय और सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे बिटकॉइन बाय और सेल करना है तो मुझे ओपन करना पड़ेगा डेल्टा। देखो बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, बट मैं वो ब्रोकर आपको बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। आई यूज दिस क्योंकि ये एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट है जिसके अंदर मेरे को ट्रेड फ्यूचर्स और ऑप्शन का भी ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे आके ऑप्शन, फ्यूचर, स्पॉट, ये तीनों चीज ट्रेड कर सकता हूँ। ये मेरा अकाउंट है जो इस तरीके से कुछ दिखता है, कि डेल्टा एक्सचेंज थोड़ा आपको कठिन लगेगा बट मैं सिंपली बता दूं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आपको ट्रेड पे क्लिक करना, फ्यूचर्स पे अगर ट्रेड करना तो यहाँ पे ट्रेड क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आने का चार्ट वगैरह देख सकते हो, या आपकी ऑर्डर बुक हो गई, और यहाँ पे आप अपना वॉचलिस्ट है आपकी, कि बिटकॉइन पे करना है, कि इथेरियम पे करना है, कि बाइनेंस पे करना है, कि लिंक पे करना है। मैं आपको वॉचलिस्ट दूंगा इसी वीडियो पे, आप उस वॉचलिस्ट को कॉपी कर लेना। मैटिक को करना है आपको सिंपल, अगर मान लो इथेरियम पे ट्रेड करना है, इथेरियम पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इस चीज को, इसको भी यूज कर। फिलहाल आई एम नॉट ट्रेडिंग क्रिप्टोस, मेरा फोकस स्टॉक मार्केट में, आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो आपको ज्यादा वीडियोस भी देखने मिलेंगे। तो अभी मैंने काफी ज्यादा इन्वेस्टिंग करी क्रिप्टो में, मैंने मेरे पूरे क्रिप्टो फंड्स इन्वेस्ट करे थे क्योंकि मार्केट अच्छा खासा डिप कर रहा है। आई एम एडिंग फॉर ट्रेडिंग, अगेन आई पुट ऑन न्यू फ्रेश फंड्स, दैट्स व्हाई यू विल सी आई एम ओनली हैविंग $312 इन दिस अकाउंट। मैंने पूरा अकाउंट खाली कर दिया था, पूरा पैसा निकाल कर मैंने इन्वेस्ट करा है। अब वापस आते, अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करोगे और आप लिखोगे कि आपको अगर यहाँ पे बाय सेल करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे आके क्वांटिटी लिख सकते हो कि मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है, 10 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है, और यहाँ पे अपना लेवरेज सेट करते हो, 50x लेवरेज चाहिए, 10x लेवरेज चाहिए, 20x, तो 10x लेवरेज हमने सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से बाय पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये बाय हो जाएगा। अगर ये बाय हो जाएगा और यहाँ से इथेरियम ऊपर जाएगा, तो हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आप इस चार्ट को बाहर भी निकाल सकते हैं और बाहर निकाल के डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, बट एनालिसिस करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज जो होती है वो होती है ये। चलो तो मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ, तो मैं आपको अपनी वॉचलिस्ट शेयर कर दूँ, ये मेरी वॉचलिस्ट है, ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, इसमें वॉचलिस्ट, ओके, जिसमें मैंने इन्वेस्ट भी करा है। और ट्रेड करने के लिए अगर बोलेंगे तो मैं अभी एरो बना देता हूँ, बिटकॉइन यस, इथेरियम यस, मैटिक यस, माना यस, सैंड यस, रिपल यस, बिटकॉइन कैश यस, लाइटकॉइन यस, फाइनेंस कॉइन यस, लिंक बिल्कुल, कार्डानो मत करो, वैल्यू बहुत कम है बट कर सकते, सोलाना यस, एक्सी इन्फिनिटी। अब इसके नीचे के जितने भी है ना, मैं इनमें ट्रेडिंग नहीं करता, ये मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉइन्स है और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है ही, तो दिस इज फॉर ट्रेडिंग ऑल दीज कॉइन्स, ओके। आई होप आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द चार्ट्स, की किस तरीके से आपने वॉचलिस्ट बनाई और किस तरीके से डेल्टा एक्सचेंज में आकर के आपने यहाँ पे आके आप अपना ऑर्डर लगा सकते हो, क्वांटिटी डाल सकते हो, यहाँ पे टेक प्रॉफिट। अगर मेरे को टेक प्रॉफिट डालना है, अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा और 2590 का टारगेट रखूंगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस, या तो मैं 2690 का टारगेट रखूंगा और स्टॉप लॉस मैं अपना यहाँ रखूंगा 2519 मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मेरे को देखो दिखाता है कि मेरा, ये मैंने ज्यादा कर दिया बच्चे, तो मेरे को दिखाता है कि मेरा $4 का वो होगा प्रॉफिट और $2 का लॉस होगा। तो बढ़िया सॉफ्टवेयर है यार, इसमें दिखाता है कि क्या है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप ऑप्शंस पे आकर के क्लिक करके ना, अपन ये पूरा का पूरा अलग अलग एक्सपायरी के डेट का ऑप्शन बाय सेल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी अभी इतना ज्यादा फॉल आ चुका है इथेरियम में, कि इथेरियम डेफिनेटली यार आज से तीन महीने बाद कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है $3,000 के ऊपर होगा, आप आकर के ना, या इसके ऊपर होगा $2,000 के ऊपर होगा, आप $2,000 के ऊपर होगा लगता है आपको, तो आप
$2500 के ऊपर रहेगा लगता है आपको, तो आप यहाँ पे आके ना ऑप्शन सेल, ऑप्शन बाय सब कुछ कर सकते हो, कॉल पुट दोनों चीज कर सकते हो। अभी अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो गया, बिगिनर्स के लिए छोड़ देते हैं इस चीज को, छोड़ देते हैं आप ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप सिंपल आकर के फ्यूचर्स में बाय और सेल करिए, दैट्स एनफ फॉर यू। तो अभी हमने बात करी अबाउट द अकाउंट, वी नीड अ अकाउंट टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज। After that, what we need some trading strategies. What is the trading strategy that we are going to use? We are going to use the simple price action trading strategy. Ab wo kya hoti? The price action trading strategy is simple, where you are drawing the horizontal lines, you are doing the trend lines, where you are doing the moving averages, aur ye sari cheezon ko use karke aap apni strategy banate ho. Main aapke liye special क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लॉन्च करूंगा जैसे ही इस वीडियो पे 7000 लाइक्स आ जाएंगे। मैं जानता हूं बड़ा टारगेट नहीं, हमने तो 15000 के टारगेट्स कंप्लीट किए, तो 7000 लाइक्स का टारगेट है। मैं जानता हूं एकदम 5-6% ऑडियंस जो मेरी क्रिप्टो देखती होगी, अगर आप लाइक करते हो वीडियो को, तुरंत 2-4-5 दिन के अंदर आपको मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की स्पेशल डेडिकेटेड स्ट्रेटजी दूंगा। तो अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो यू कैन यूज द 4 स्ट्रेटजीज दैट आई हैव शेयर्ड ऑन माय चैनल। वीवैप वाली स्ट्रेटजी शेयर की है मैंने, मैंने मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी शेयर की, मैंने सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी शेयर की है, और एक और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर की है। आप मेरी चारों स्ट्रेटजी देख सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। अभी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट दो तरीके से बहुत जरूरी होता है। क्या होता है ना, आपने अगर एक्सपीरियंस कभी किया है, मैं इथेरियम का चार्ट खोल रहा हूं डेली चार्ट, आप डर जाओगे, एक एक दिन में इतना गिर जाता है, इतना बढ़ जाता है। देखो बढ़ा 10% बढ़ गया बढ़ने को, कभी गिरा तो 14% गिर गया। मतलब यहां पे जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, यहां पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी नहीं, जरूरी कंपलसरी है। यहां पे कोई टिप नहीं है, ये जरूरी स्टॉप लॉस लगाना कि आपको लोअर लेवल पे सेट करके रखना। नहीं तो अगर 10% गिर गया, आपने लेवरेज 10, अगर लेवरेज आपने 10 गुना लिया था तो 100% अकाउंट साफ हो गया। ऐसा होता नहीं है, वो आपका कट करने के 70% पे, वो कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट होता है जहां पे आपने अकाउंट खुलवाया है, बट आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा टूल है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, बहुत जरूरी। कभी कोशिश मत करना बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करने की क्रिप्टो करेंसी में। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट है ये पॉइंट, लेवरेज। यहां दिख रहा है आपको ये लेवरेज 50x बहुत खराब है, 25x भी बहुत ज्यादा है, 25x सेट हो गया। आप इसको 5 या 10x रख के ट्रेड करेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, तो आप बहुत बड़े लॉस में आ जाएंगे। मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग ओनली विद 5 और 10x। 25x के साथ मैं ट्रेड कर लेता हूं जब मुझे लगता है कि यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत बड़ा है और रिस्क बहुत छोटा है, तो कभी कभी कर सकते हैं। 50x तो कहीं करना चाहिए, वो एक लगभग गैम्बलिंग के जैसा हो जाता है कि आपको लगता है यार ले लेता हूं रिस्क, हो सकता है मेरा, वो गैम्बलिंग मेंटेलिटी अलग है। तो मैंने बताया 10x और 5x इसके ऊपर नहीं लेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये दो चीजें बहुत जरूरी थी जो मैंने बताया आपको, ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट होता है साइकोलॉजी। द साइकोलॉजी यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी यू नीड फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, द नंबर वन साइकोलॉजी यू नीड फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग इज लेस ग्रीड। अभी क्या होता है ना, क्योंकि मार्केट 24 घंटे खुला होता है, तो आपको लगता है ना दिन भर ट्रेड करते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी आपके पास कैपिटल होगा, बट इमोशनल कैपिटल भी नाम की चीज होती है, एंड दैट टेल्स यू कि एक इंसान का लिमिट होता है। मेक श्योर यू आर नॉट ट्रेडिंग मोर देन 2 ट्रेड्स पर डे, चाहे वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में। अगर लगातार 2 स्टॉप लॉस हो जाते हैं, स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, एल्स यू विल ब्लो अप योर अकाउंट। अगर लगातार 2 प्रॉफिट हो जाता है, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। अगर आपने पैसा, हम लोग क्या लगता है अभी प्रॉफिट ही तो जाएगा, तो नहीं यार, जैसे प्रॉफिट आपके कैपिटल में जुड़ा ना, ये नया प्रॉफिट प्लस कैपिटल आपका नया कैपिटल बना, आप इससे प्यार करना सीखो, इसको मैनेज करना सीखो। सो मेक श्योर नंबर वन साइकोलॉजी, नो ओवर ट्रेडिंग, बिकॉज द मार्केट इज ओवर 24/7, यू थिंक यू हैव टू ट्रेड ऑल द टाइम, सो फर्स्ट थिंग नहीं। दूसरी चीज जो साइकोलॉजी होनी चाहिए, बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है। वो कैसे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई गिरता भी कभी कभी सीधे सीधे कितना ज्यादा है, ये गिरता है तो भी कभी कभी यहां देख लेते हैं सीधे 8%। भाई आपने शॉर्ट किया होता तो कभी भी ना स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाएंगे, ये कंपलसरी है, सिस्टम पे। टारगेट कभी सिस्टम पे नहीं लगाएंगे। आप टारगेट के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 2-3 टारगेट बनाएंगे और हमेशा ट्रेल करेंगे। आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे कि मान लो आपने शॉर्ट किया है और आपने यहां पे लाइन, आप राइट क्लिक करेंगे, यहां पे आके एड अलर्ट कर देंगे, यहां पे आके लिख देंगे कि होल्ड इथेरियम फॉर नेक्स्ट टारगेट, ये होल्ड इथेरियम या फिर होल्ड एंड ट्रेल लिख दिया आपने, कि आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे ले आते हैं और ऐसा करके कंटिन्यू एनीवे। आपने यहां पे देखो बेल लगा दी, अब ये जब आएगा ना तो देखो दिख रहा है आपको बेल लग गई, ये बेल बजेगी। तो ऑलवेज कीप योर टारगेट ओपन एंड स्टॉप लॉस क्लोज्ड व्हेन डूइंग द
क्रिप्टो ट्रेडिंग या बड़ा पैसा कमा सकते हो। कभी कभी क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत बड़ा मूव दे देती है, आपको यकीन नहीं आएगा मैंने बड़े बड़े प्रॉफिट एक एक दिन में 8,000-10,000 डॉलर भी कमाया है वो इसी, और गवाया है मैक्सिमम तो 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 मैक्सिमम। उसके ऊपर मैंने आज तक लॉस नहीं किया, लेकिन प्रॉफिट मैंने 10,000 डॉलर तक किया, 8,000 डॉलर किया, 15,000-15,000 डॉलर तक किया एक बार। तो दैट इज इट, यू नीड टू कीप योर प्रॉफिट्स ओपन, स्टॉप लॉस लॉग, यू नीड टू नॉट ओवर ट्रेड दीज टू। थर्ड थिंग इज नो गैम्बलिंग। कई बार हम लोग गैम्बलिंग मेंटेलिटी में आके बहुत बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हैं। नो गैम्बलिंग मेंटेलिटी इज वॉट यू नीड इन ओवर हियर। तो दिस वॉज दी साइकोलॉजी। तो इन ऑल सम अप करके देता हूं, अगर आपको ट्रेडिंग थोड़ी बहुत आती थी तो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू आराम से ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहो तो बाइनेंस भी यूज कर लो, आपकी मर्जी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मेरा ही प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म यूज करो, बट अगर मेरे प्लेटफॉर्म से यूज, अगर मेरा सजेशन यूज करोगे तो आपको मेरे साथ मैचिंग लगेगा। जब मैं ट्रेड करूंगा लाइव ट्रेड कभी शेयर करूंगा, अगले हफ्ते से स्टार्ट करने वाला हूं, अगला 10-15 दिन में, तो आपको ना एक ईज होगा कि यार इनका इनने यहां बटन दबाई, इनने यहां बटन दबाई, इनने ये फीचर यूज किया, वो फीचर यूज किया, इन्होंने ये चीज, तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाओगे तो crypto@boomingbulls.com पे अपना डेल्टा आईडी भेज देना, दैट विल हेल्प मी टू ट्रैक यू व्हेन माय एप्लीकेशन विल बी लॉन्च्ड। मैं आप लोगों को कुछ इसमें फ्री सर्विसेज दूंगा जिन्होंने मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाया है, तो आप लोगों को मेरे ऐप में एक सर्विस मिलेगी जो आपकी ट्रेडिंग बेटर करने में, आपकी परफॉर्मेंस बेटर करने में मदद करेगी। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। सो आई होप आपको मजा आया देख के क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। एक बेसिक आइडिया दिया मैंने कि भाई क्या क्या चीजें जरूरी होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, अकाउंट कैसे यूज करना है, स्ट्रैटेजी चार है वो यूज कर लो, या 7,000 लाइक दे दो, एक डेडिकेटेड क्रिप्टो स्ट्रैटेजी ले जाओ मेरे से, और स्टार्टिंग में क्रिप्टो क्या होता है बता दिया, रीजन क्या है करने का, बिजनेसमैन की तरह सोचो कि मैं और कैसे अपने मैक्सिमम चीजों को यूज कर सकता हूं रिसोर्सेज को, और लास्टली और ये भी सोचो कि जब आती है अपन को क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना तो क्यों प्राइस एक्सचेंज करना, तो क्यों क्रिप्टो में ना करें, और लास्टली हमेशा खुला है भाई, आपको जल्द अभी चाहूं तो अभी ट्रेडिंग कर सकता हूं, जब चाहूं तब कर सकता हूं, जब अपॉर्चुनिटी है तब मैं कर सकता हूं। फिलहाल थोड़े समय के अंदर इसमें अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फिर से आने वाला है, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको एनालिसिस में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, यू हैव गिवन मी सो मेनी लाइक्स एंड कमेंट्स एंड सब चीजें, तो प्लीज जैसे 7,000 हो जाते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं आपके लिए। बाकी और कुछ भी नहीं, यू गाइस स्टे हेल्दी एंड यू गाइस स्टे प्रॉफिटेबल, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।